नमस्कार, आप देख रहे हैं जे जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में कल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू 31 मार्च तक रहेगा। रात 10 बजे से 6 बजे सुबह तक पूरी तरह से कर्फ्यू लगा रहेगा और बड़ौदा में भी कल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश में लगातार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से इस मामले पर, कोरोना के बढ़ते लगातार मामलों पर एक बैठक करने वाले हैं। देश में लगातार कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, जहाँ एक तरफ देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना के मामले लगातार आते जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है। वहाँ लगातार कोरोना के नए नए मामले आते जा रहे हैं और जिस तरह से कोरोना का नया स्ट्रेंथ भी हमारे सामने आया है, उस स्ट्रेंथ से सभी लोग डरे हुए हैं और इसी वजह से कोरोना के मामलों को कंट्रोल करते हुए अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में और उसके साथ बड़ौदा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात प्रशासन ने इस पर गंभीरता लेते हुए अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और बड़ौदा में कल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये नाइट कर्फ्यू 31 मार्च तक लागू रहेगा, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा रहेगा। इस ब्रेकिंग न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जे जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।